हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरबजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेआर लर्निंग पॉइंट। आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रेज नेम का यूज़ कैसे करते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। पर इससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। जैसा कि आपको पता है कि बड़े डेटा में एक एक सेल की जगह एक रेंज के साथ काम करना ज़्यादा ईजी होता है, पर कई बार रेंज के काम करने के अपने कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे पास एक टोटल वन नाम से एक फॉर्मूला लगा रखा है मैंने यहाँ पे सम का। अब देखेंगे सम का जो फॉर्मूला लगा हुआ है उसमें जो रेंज दी हुई है F6 से F10 है। सेम उसी तरीके से मैंने दोबारा यहाँ से एक फॉर्मूला लगा रखा है सम का, बट उसमें रेंज की जगह रेंज नेम है। रेंज नेम ऐसे ही होती है जिसमें रेंज की जगह हम रेंज नेम देते हैं और फॉर्मूला के अंदर हम रेंज नेम दे सकते हैं अपने रिजल्ट को लाने के लिए। अब प्रॉब्लम क्यों होती है रेंज? जब हम अपने डेटा को इंक्रीज और डिलीट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमें ये डर रहता है कि कहीं फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। हमें फॉर्मूला की रेंज को चेक करना पड़ता है, F2 करके देखना पड़ता है, उसे चेंज करना पड़ता है, जबकि रेंज नेम में ऐसा कुछ नहीं होता। रेंज नेम में है पहले से ही एक क्राइटेरिया डिसाइड कर देते हैं जिसमें अगर रो इंसर्ट और डिलीट, कॉलम इंसर्ट और डिलीट होते हैं तो रेंज नेम उसको ऑटो एडजस्ट कर लेता है। देखते हैं कि रेंज नेम दिया कैसे जाता है। सबसे इजी वे जो है रेंज नेम देने का, अगर आप किसी भी जगह पे किसी रेंज को रेंज नेम देना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं इस रेंज को यानी C7 से E7 तक की इस रेंज को नेम देना चाहता हूँ, मैं नेम देना चाहता हूँ रेंट, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा और नेम बॉक्स पे आते हैं। नेम बॉक्स में आके नेम बॉक्स सिर्फ एक सेल का एड्रेस बताने का काम नहीं करता, वो रेंज नेम देने का भी काम करता है। अब मैंने यहाँ पे रेंज नेम दिया RENT रेंट, और आप देखेंगे जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो यहाँ पे रेंट लिख के आ गया। अब जब भी कभी मैं इस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे रेंज नेम लिखा है। अगर मैं कहीं क्लिक करता हूँ तो नहीं आएगा, पर जब इस रेंज को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे नेम लिख के आएगा। यानी इस रेंज नेम के रेफरेंस को यानी रेंट को मैं कभी भी यूज कर सकता हूँ। आप देखेंगे यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर एक जो एरो दिख रहा है आपको, इसको मैं अगर क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास यहाँ पे कई सारे रेंज नेम है। अब टोटल एक्सपेंसेस जो यहाँ पे थे जिसको मैंने इस फॉर्मूला में लगा रखा था। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने जनवरी से भी एक रेंज नेम दे रखा है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होता है, मेरे पास जनवरी के जो भी एक्सपेंसेस थे वो यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी रेंज नेम वाले डेटा को कहीं मूव करते तो रेंज नेम कहीं चेंज नहीं होता। मैं इस डेटा को मूव करके कहीं और रख देता हूँ। आप देखिए मैं यहाँ रख, जब अभी भी मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है तो देखिए क्या है, यहाँ पर जनवरी अभी भी लिख कर है, पर अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके देखता हूँ तो यहाँ पे C6 लिख कर है। यानी यहाँ से डेटा जो हटा है उसका रेंज नेम कहाँ शिफ्ट हुआ है, अपने डेटा के साथ। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सेट करता हूँ, वापस अपने डेटा पे आता हूँ। अब ये देखते हैं कि रेंज नेम कैसे दिया जाता है। तो रेंज नेम देते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले कि जब भी हम रेंज नेम देंगे वो 255 कैरेक्टर से कम होना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम स्टार्टिंग में नहीं दे सकते, ना ही नंबर दे सकते हैं। जब भी हमें रेंज नेम देना है तो उसमें अल्फाबेट होना चाहिए और स्पेस की जगह हम अंडरस्कोर यूज करेंगे। दूसरी बात, स्पेशल कैरेक्टर हम यूज करेंगे उनके कॉम्बिनेशन के साथ। जैसे अगर हमने अल्फाबेट्स या टेक्स्ट लिख दिया है, इसके बाद न्यूमेरिक, फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर, इसके बाद किसी रेंज के एड्रेस को मैं रेंज नेम नहीं दे सकता। और इसके अलावा एक्सेल के फॉर्मूला और फंक्शंस को भी मैं रेंज नेम में इंक्लूड नहीं कर सकता। मैं इसके अलावा कोई नाम दे सकता हूँ, पर ये नाम नहीं दे सकता कि हाँ फॉर्मूला एडिटिंग कैलकुलेशन, इस तरीके के कोई नाम नहीं दे सकता। दूसरी बात, जो भी आप रेंज नेम देंगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए और इजी टू यूज होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टोटल एक्सपेंसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018, पर नीचे मैंने ऐसे लिखा है टोटल एक्सपेंसेस 2018, तो इजी कौन सा हो रहा है, टोटल एक्सपेंसेस 2018। तो आपको ध्यान देना है कि हमेशा ऐसे नाम हो जो शॉर्ट हो, क्योंकि जब हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला वर्क करेंगे तो हमें रेंज नेम का ज़्यादा यूज़ करना होगा। अगर फॉर्मूला की लेंथ बढ़ जाती है तो उसको भी पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी।
तो हम रेंज नेम ऐसे देंगे जो इजी टू यूज हो और मीनिंगफुल हो। इसके बाद आप देखते हैं कि रेंज नेम दिए कैसे जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि अगर मुझे यहाँ पे रेंज नेम देना है, आप देख रहे हैं होम पे जाएंगे, फॉर्मूला के अंदर डिफाइंड नेम्स में जाएंगे। इसमें मेरे पास चार ऑप्शन आते हैं, नेम मैनेजर, डिफाइन नेम, यूज इन फॉर्मूला एंड क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन। तो सबसे पहले मैं यूज करता हूँ अपने जो भी रेंज नेम दे रखे हैं उसको हटाता हूँ। इसके बाद दोबारा से मैं रेंज नेम कैसे देते हैं देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, रेंज नेम में जाता हूँ और देखिए मैंने यहाँ पे रेंट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था, जनवरी और टोटल एक्सपेंसेस, यहाँ पे काफी सारे रेंज नेम दे रखे हैं। जहाँ पे भी मैंने रेंज नेम से फंक्शन लगा रखा है वो भी अब डिलीट हो जाएंगे, यानी वहाँ का जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। तो मैं इसलिए अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट किया मैंने इसको और देखिए जहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ था वहाँ का रिजल्ट क्या हो जाएगा, क्लोज। तो अब देखिए यहाँ पे हैश आ, तो यहाँ पे एरर्स आ गए क्योंकि मैंने यहाँ पे रेंज नेम से फंक्शन को डिफाइन कर रखा था। पर अभी मैं दोबारा से रेंज नेम लेके आ जाता हूँ। मैंने अभी नेम मैनेजर यूज किया। ये नेम मैनेजर को अभी थोड़ी देर में और सीखते हैं। सबसे पहले आते हैं डिफाइन नेम पे। डिफाइन नेम कैसे देते हैं, अगर मान लीजिए कि मुझे इस रेंज को एक नेम देना है तो मैं क्या करूँगा, डिफाइन नेम पे जाऊंगा या राइट क्लिक करके डिफाइन नेम्स पे भी आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन नेम्स पे गया, क्लिक किया। आप देखेंगे कि यहाँ पे नेम्स के अंदर एडवर्टाइजिंग पहले से ही लिख के आ रहा है क्योंकि एक्सेल ने पहले से ही ये गेस कर लिया है कि क्या मैं ये नाम देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके जो रो का हेडर है यहाँ पे उस पर क्या लिखा हुआ है, एडवर्टाइजिंग। सेम इसी तरीके से रेंट सप्लायर, अगर मैं बाकी रेंज को सेलेक्ट करूंगा तो इसी तरीके से पहले से गेसेस नेम आ जाएंगे। अब अगर आप ये नाम देना चाहते हैं तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्कोप। स्कोप से मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे वर्कबुक की जगह कोई और सिलेक्शन देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ रहे सारे शीट्स के नाम। अब इसमें से मैं कोई शीट का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ तो क्या होगा, वो सिर्फ पर्टिकुलर शीट्स पे ही डिफाइन होगा। जैसे अब मैं यहाँ पे वर्कबुक ले लेता हूँ और साथ के साथ एक कमेंट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे दे देते हैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 2018। तो मैंने यहाँ पे एक कमेंट भी दिया है। ये काफी अच्छी एक्सरसाइज है कि आप है ना जब कभी रेंज को नेम देंगे तो उसके साथ कमेंट भी दें। और आप देखेंगे नीचे की तरफ यहाँ पे आप रेंज को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं रेंज को चेंज कर सकता हूँ, पर यहाँ पे ऑलरेडी रेंज का नेम दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ और फिर से रेंज का नेम देता हूँ। मैं नीचे की तरफ इसको ड्रैग करता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको चारों फील्ड्स को भर दिया, ओके किया मैंने इसको। अब आप देखेंगे कि इस रेंज का नाम नेम बॉक्स में लिख के आ गया। अगर मैं कहीं और क्लिक करता हूँ और इसके बाद एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये सेम उसी रेंज पे पहुंच जाता है। ये जो रेंज नेम है एडवर्टाइजिंग, ये मैं किसी भी शीट पे चला जाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑटो एडजस्ट पे आ जाता हूँ और इसके बाद एडवर्टाइजिंग पे क्लिक किया तो ये दोबारा से वापस इसी शीट पे चलाता है। पर अब एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट वाली जो रेंज है उसको डिफाइन नेम करते हैं और यहाँ पे हम चेंज करते हैं सिर्फ बजट फर्स्ट क्वार्टर। तो यहाँ पे बजट फर्स्ट क्वार्टर पे क्लिक करेंगे। कमेंट मैं नहीं दे रहा अभी, जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूँ, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। क्लिक करता हूँ मैं इसको। आप देखिए कि सिर्फ रेंज नेम किस पे आ रहा है, इस शीट पे। अगर मैं ऑटो एडजस्ट पे जाता हूँ, क्या रेंट वहां पे भी आ रहा है, नहीं यहाँ पे नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हम स्कोप को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका देखते हैं कि रेंज नेम कैसे दिया जाता है। मैं अभी जो रेंज नेम दिए हैं उनको डिलीट करता हूँ, नेम मैनेजर में फिर से जाते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इस रेंज नेम्स को और डिलीट पे क्लिक करते हैं। अब देखेंगे कि रेंज नेम देने का दूसरा तरीका क्या है। अगर मैं अपनी रेंज को पर्टिकुलर नेम्स देना चाहता हूँ, मान लीजिए कि ये जो डेटा है मेरे सामने ये किसका है, ये जनवरी का, ये जो सिलेक्टेड डेटा है ये फेब का, ये मार्च का। तो इसी तरीके से ये सिलेक्टेड डेटा है एडवर्टाइजिंग का और ये है सप्लायर का। मैं चाहता हूं कि इन सबको पर्टिकुलर नाम दे दे, तो मैं क्या करूंगा, इस डेटा को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट F3 अगर यूज करता हूं या क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट F3 यूज कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन, तो जो ऊपर की तरफ यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इसको मैंने यहाँ यूज किया है। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, टॉप रो, यानी जो भी
रो के ऊपर जो हेडर है, एक तो वो हेडर ले लेगा, और जो लेफ्ट कॉलम्स की तरफ हेडर है, तो एक कॉलम के अंदर यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए एक्सपेंसेस के, तो इन सबको हेडर ले लेगा। अगर आप इनमें से टॉप वाला छोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लेगा, एडवर्टाइजिंग रेंट और सप्लायर वाली रेंजेस ले लेगा। तो यहाँ पे मैं इसको जस्ट क्लिक करता हूँ, मैं आपको सिर्फ एक बार करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नेम बॉक्स में जाके क्लिक करिए, तो यहाँ पे आपको बाकी सारे एक्सपेंसेस के नाम लिखे आ गया। अगर मैं सप्लायर पे क्लिक करता हूँ, तो डेटा किसका सेलेक्ट करेगा, सप्लायर का। अब मैंने यहाँ पे जनवरी फेब वाला तो सिलेक्शन लिया नहीं, तो अब उसको कैसे लेते हैं, अभी मैं इसके सेलेक्ट करता हूँ, सिलेक्शन नेम पे जाते हैं। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट कॉलम्स को अनचेक कर देता हूँ और टॉप रो को चेक कर देता हूँ। मैं दोनों को एक साथ भी ले सकता हूँ, पर यहाँ पे मैं अभी सेपरेट करके काम कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो देखिए क्या होता है, आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास जनवरी का डेटा आ गया, फेब का डेटा आ गया। जनवरी पे क्लिक करता हूँ तो जनवरी का, अब इसी तरीके से रेंट पे क्लिक करते हैं तो रेंट का। तो यहाँ पे दोनों तरीके के सिलेक्शन ले लिए हैं, यानी कॉलम्स वाले भी ले लिए हैं और रो वाले भी ले लिए हैं। अब इसकी जगह यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम आई थी कि यहाँ पे मैंने टोटल एक्सपेंसेस ले रखा था, पर इसका तो यहाँ पे रेंज नेम आया नहीं, तो इसको रेंज नेम दोबारा से हम क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, इस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ जहाँ टोटल लिखा हुआ है, और यहाँ पे जहाँ पे एक्टिव सेल क्या आ रहा है, F6, एक्टिव सेल जो उसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, टोटल एक्सपेंसेस पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक रेंज नेम आ जाता है, और यहाँ पे ये ब्लू से हाईलाइट हो जाता है और रेंज सेलेक्ट हो रहा है। यानी जब भी कभी इस रेंज के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होंगे, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे ये फॉर्मूला में कैसे काम करता है, रेंज नेम के बारे में और यूज फॉर्मूला के बारे में, यूज फॉर्मूला के बारे में सीखते हैं अभी। आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे रेंज नेम फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं इस पे आता हूँ। अब आप अगर फॉर्मूला लगाते हैं, तो आप देखेंगे ये किस तरीके से वर्क करता है रेंज नेम, पर अभी मैं बिना रेंज नेम के फॉर्मूला लगाता हूँ। कैसे, PMT, IPMT और PPMT फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फास्ट तरीके से थोड़ा काम करूंगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं समझाऊंगा, बट मैं ये समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला में किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे PMT फंक्शन लगाता हूँ, जिसमें मैं EMI कैलकुलेट करता हूँ। मैं यहाँ पे PMT ब्रैकेट स्टार्ट, अब ये बोल रहा है रेट, रेट क्या चल रहा है, रेट है यहाँ पे अभी इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट को मैं जब क्लिक करूंगा, और इसके बाद किससे डिवाइड करूंगा, 12 से, क्योंकि ये 12 महीने के लिए है। अब इसके बाद टर्म, टर्म क्या है, टर्म मेरे पास है 3 साल, तो इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12 से। और इसके बाद क्या है, अमाउंट, अब ये अमाउंट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और देखिए यहाँ पे अभी मैंने कोई भी वैल्यू फ्रीज नहीं किया, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज को फ्रीज कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ। आप देखेंगे कि अगर मेरी 3 साल की EMI है, तो मैं कितनी EMI पे कर रहा हूँ, हर महीने मैं पे कर रहा हूँ 34,66, तो इस ये EMI मैं पे कर रहा हूँ। अब इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो देख लेते, मैं इसको जल्दी कर देता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मेरा मोटिव क्या है ये फॉर्मूला सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पे मैं IPMT किया, अब इन दोनों का अगर टोटल करूंगा, तो मेरा जो यहाँ पे PMT आ रहा था, यानी मेरा EMI जो आ रहा था वो, अगर आप देखेंगे, अभी मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे जो सेल के सिलेक्शन कर रखे हैं उसका क्या मतलब है, आपको मतलब पता नहीं लग पाएगा। यहाँ पे भी मैं अप टू करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको रेंज का सेल्स का मतलब समझ में नहीं आया। पर अगर इसी जगह में यहाँ पे इन वैल्यूज को मैं नाम देता, इन रेंज को नाम देता, तो फिर कैसा रहता। मैं अब क्या करता हूँ, इन वैल्यूज को नाम दे देता हूँ। सबसे पहले मैं इसे नाम दे देता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और
जो वैल्यू है उसको मैं प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेता हूँ, इसको टर्म लिख देते हैं और नीचे की तरफ यहाँ पे रेट लिख देते हैं। अब जब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे तो क्या होगा, मैं दोबारा से फंक्शन लगाता हूँ, इसको भी थोड़ा सा मैं फास्ट करता हूँ। PMT, अब आप यहाँ पे जब रेट लगाएंगे तो रेट को यहाँ पे रेट लिख सकते हैं हम, और रेट को हम क्या करेंगे डिवाइड 12 से। अब इसके बाद क्या है n पर यानी टर्म, तो टर्म को मैं यहाँ पे टर्म लिख सकता हूँ और इसको मल्टीप्लाई कैसे करूँगा 12 से। आप इसके बाद देखेंगे प्रिंसिपल, तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट भी लिख टाइप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं अपने फॉर्मूला को पूरा कर सकता हूँ। एक और चीज ध्यान रखनी, इसमें मैं अपने सेल्स को फ्रीज भी नहीं करूंगा तो भी चलेगा। तो जस्ट मैं इसको क्लिक करता हूँ एंटर और नीचे की तरफ इस रेंज को कॉपी पेस्ट करता हूँ। आप देख रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से यहाँ। अब अगर मैं यहाँ पे अपने फॉर्मूला को चेक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्लियर क्लियर दिखा रहा है कि जो रेंज थी वो किस कौन सी थी, वहां पे रेट कहाँ आएगा, टर्म कहाँ आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ आएगा। सेम इसी तरीके से मैं बाकी फॉर्मूले में काम कर, तो यहाँ पे IPMT आप देखिए मैंने यहाँ पे PPMT, IPMT और PMT फंक्शन का यूज करा है। आप देखेंगे अगर मैं टोटल करूंगा तो यहाँ पे इसका टोटल आ रहा है PMT का, तो मैं यहाँ पे कितना इंटरेस्ट और कितना प्रिंसिपल अमाउंट हर एक EMI पे कर रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे रेंज नेम का यूज करना कितना यूजफुल हो रहा है। सेम इसी तरीके से रेंज नेम एडजस्ट डेटा को एडजस्ट कैसे कर सकता है। अब अगर मैं ऑटो एडजस्ट पे आता हूँ, अब यहाँ पे मैं एक रेंज ले रखी थी जो कि था अमाउंट। अब यहाँ पे इस रेंज को मैं एक नाम देता हूँ। अब जितना बड़ा यहाँ पे रेंज नेम लेना चाहे ले सकते हैं, एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा 2 ले लेता हूँ और यहाँ पे अमाउंट दे देता हूँ एंटर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रेंज नेम के हिसाब से टोटल आ गया। जब भी मुझे कभी भी और एक्स्ट्रा डेटा इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रो इंसर्ट करूँगा और अपना डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर देता हूँ तो क्या होगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे रेंज नेम पे काम करता हूँ। बट आपको कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं वो रेंज नेम आपने कहीं गलत तो नहीं दे दिया। अब वापस आते हैं कि रेंज नेम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी नेम दिए थे किसी रेंज को, किसी सेल को, तो वो सारी के सारे यहाँ पे आ रहे हैं, साथ के साथ उसके स्कोप भी आ रहे हैं और कमेंट भी आ रहे हैं जो कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिया था। आप चाहें तो यहाँ पे न्यू इंसर्ट भी कर सकते हैं आप किसी रेंज को, तो यहाँ पे नाम देख के किसी रेंज का नाम देख के यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हैं। सेम अगर आप किसी रेंज को एडिट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं फैब की रेंज को एडिट करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको क्लियर करूँगा और दोबारा से इस रेंज को सेलेक्ट करूँगा। पर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते ओके, दोबारा से मैं वापस जाता हूँ और मैं यहाँ पे किसी रेंज को डिलीट भी कर सकता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ टर्म को डिलीट करता हूँ, मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। और अगर आपकी किसी भी रेंज में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर पे जाएंगे, तो आप देख रही हैं कि यहाँ पे मेरे पास रेंज नेम को फिल्टर करने के काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप टेबल नेम, डिफाइन नेम, नेम विदाउट एरर्स या विद एरर्स, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिससे आप अपने डेटा को देख सकते हैं। विदाउट एरर तो मेरे पास सारे ही हैं, डिफाइन नेम भी सारे ही हैं, टेबल नेम मैंने अभी तक किसी को दिया नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ नेम देता हूँ तो यहाँ से मैं फिल्टर करके चेक कर सकता हूँ। सेम इसके नीचे देखो रेफर टू पहले से आ रहा है, तो यहाँ नहीं जिस भी रेंज को मैं सेलेक्ट करूँगा, ये रेंज नेम को सेलेक्ट करता हूँ तो उसकी रेंज यहाँ पे शो होगी और सबसे नीचे आता है क्लोज। इसके अलावा रेंज नेम गो टू फंक्शन में भी यूज़ किया जाता है। तो अब गो टू फंक्शन किस तरीके से काम करता है, कंट्रोल जी मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ और क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे रेंज के नाम आ रहे हैं। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर रेंज पे जाना है, जैसे कि अब मुझे क्या करना है, मुझे
प्रिंसिपल अमाउंट पे जाना है, तो जस्ट मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट को सेलेक्ट करूंगा किसी भी शीट पे रहते हुए, अगर मैंने उसको स्कोप में क्या दे रखा है, वर्कबुक, तो यहाँ पे मैं जैसे ही ओके करूंगा तो क्या होगा, ये उस पर्टिकुलर सेल पे आ जाएगी जिसको मैंने नेम दे रखा है। बाई चांस अब यहाँ पे हूँ और मुझे दोबारा से फर्स्ट शीट पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस किया, कंट्रोल जी प्रेस करते ही अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अमाउंट। अब अमाउंट कौन सा था, अमाउंट तो मेरे पास ये वाला था, नहीं मेरे पास अमाउंट कौन सा था, ऑटो एडजस्ट। तो यहाँ पे किस तरीके के डेटा पे मैं जा सकता हूँ, आप देखिए, अगर मैं रेंट पे जाना चाहता हूँ तो रेंट पे जा सकता हूँ, क्लिक किया ओके, कंट्रोल जी क्लिक करना है उस रेंज नेम पे और मैं यहाँ पे ओके करते हुए उस रेंज पे आ जाता हूँ। तो इस तरीके काफी यूजफुल फंक्शन हम यूज करते हैं रेंज नेम में। अगर आप काफी अच्छे फंक्शन लिखना चाहते हैं, काफी एफिशिएंट होना चाहते हैं, बड़े फंक्शन या कॉम्प्लेक्स फंक्शन को यूज करना चाहते हैं रेंज से जो पर्टेन करते हैं, तो आप रेंज नेम का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।